वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हम लोग का ICSE क्लास 10th 2023 का स्पेसिमन पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस पर्टिकुलर चैप्टर से सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसका हम लोग काफ़ी एक डिटेल डिस्कशन देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल 19 चैप्टर हैं जो आपके इस बार सिलेबस में आने वाले हैं। पहला है GST, बैंकिंग, लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैट्रिसेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रिफ्लेक्शन, सेक्शन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरिटी, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। ये टोटल 19 चैप्टर हैं जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में इन्हीं चैप्टर्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि आखिर इस बार का ब्लूप्रिंट क्या है, किस चैप्टर से हमें कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, इसमें आपको एकदम डिटेल डिस्कशन मिलेगा कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस पर्टिकुलर चैप्टर से सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो इस बार का ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये इस बार का ICSE 2023 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन पेपर है, ठीक है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन इसमें है MCQ का, वो पहला एक क्वेश्चन आपसे GST से पूछा जा रहा है MCQ में एक नंबर का, ठीक है, ये सेक्शन ए में है। देन जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्पेसिमेन पेपर का, अगर आपके पास स्पेसिमेन पेपर हो तो आप उसको लेकर देख सकते हैं या फिर कहीं एक कॉपी पे या फिर अपने बुक पे आप इसको नोट कर सकते हैं साथ ही साथ कि पहला जो क्वेश्चन है MCQ का वो किसका है, GST का है। देन दूसरा क्वेश्चन आपका आता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सेक्शन ए में पूछा गया है MCQ के फॉर्म में एक नंबर में, ठीक है। देन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है आपका फैक्टराइजेशन का, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है MCQ फॉर्म में आपसे पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिसेस का है, ये भी 1 मार्क का है, MCQ में आपसे पूछा गया है मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, ये भी एक नंबर क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा रहा है MCQ के फॉर्म में सेक्शन ए में। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, MCQ में आपसे पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका ये आपका है सिमिलरिटी का, ये सेक्शन ए में क्वेश्चन है एक नंबर का MCQ के फॉर्म में, ठीक है, इसको आप नोट कर लें यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन है MCQ के फॉर्म में सेक्शन ए में सिमिलरिटी से। देन है क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है MCQ के फॉर्म में है मेंसुरेशन से। देन जो अगला है क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है लीनियर इनइक्वेशन से, 1 मार्क का क्वेश्चन है MCQ में आपसे पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 10 प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, ये भी 1 मार्क का MCQ है। देन क्वेश्चन 11 अगेन ये मैट्रिसेस से है, एक नंबर का और क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स से जो आपका MCQ में है, यानी कि मैट्रिसेस चैप्टर से MCQ में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेसिमेन पेपर में, एक नंबर प्लस एक नंबर। देन क्वेश्चन जो 12 है ये आपका है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल सेक्शन फार्मूला से, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन 13 ये सर्कल से पूछा जा रहा है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है और किसमें है तो MCQ के फॉर्म में आपसे पूछा गया है सर्कल से। देन क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये आपका AP का अगेन आ रहा है, यानी एक नंबर का और क्वेश्चन AP से बढ़ गया MCQ में, ठीक है। देन आता है आपका लास्ट क्वेश्चन जो 15 है MCQ का, वो है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये अभी हम लोग फिलहाल MCQ को डिस्कस किए हैं, इसमें जो आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से हैं, एक GST से है, एक आपका लीनियर इनइक्वेशन से है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, एक फैक्टराइजेशन से है, एक 2 मैट्रिसेस से हैं, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हैं, एक रिफ्लेक्शन से है, एक सेक्शन फार्मूला से है, एक प्रोबेबिलिटी से है, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से है, एक मेंसुरेशन से है, एक सिमिलरिटी और एक सर्कल। तो ये 15 क्वेश्चन जो MCQ वाले हैं इन पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। और साथ ही साथ लास्ट में इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सा चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कौन सा चैप्टर का वेटेज हमारे लिए ज़्यादा है। तो देखिए जो क्वेश्चन 2 है सेक्शन ए का, जो इस क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन है ये बैंकिंग का है और पूरे 4 मार्क का क्वेश्चन है बैंकिंग से, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। देन क्वेश्चन 3 जो है आपका ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जो 2 का सेकेंड पार्ट है, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। देन क्वेश्चन नंबर
टू का पार्ट थ्री जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 4 मार्क का, ठीक है। किसका है? तो ट्रिग्नोमेट्री का है पूरे के पूरे 4 मार्क का। देन क्वेश्चन थ्री है, थ्री का जो पहला है ये आपका है मेंसुरेशन से, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देन जो थ्री का दूसरा क्वेश्चन है ये आपका है, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड लाइन से मिलाकर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों को मिला करके क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट सेकंड आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में है कितने मार्क का, ये 4 मार्क का है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट थर्ड है ये आपका रिफ्लेक्शन है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। देन अब है सेक्शन बी आता है, इसके बाद से क्या आता है, सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर का जो पार्ट वन है आपका वो जीएसटी से है, ये पूरे के पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है जीएसटी से, ये सेक्शन बी में है, सॉरी सेक्शन बी में है। देन उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन बी में। एंड जो क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट थ्री है ये आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है, और ये भी पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरे 4 नंबर का है, सेक्शन बी में पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट वन जो है ये आपका मैट्रिसेस से पूछा जा रहा है, और ये पूरे के पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है मैट्रिसेस सेक्शन बी में। देन फाइव का जो पार्ट सेकेंड है वो सर्किल से है, और ये पूरे के पूरे ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है सर्कल से। देन फाइव का थर्ड है फैक्टराइजेशन से है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, जो 5 का पार्ट 3 है, और ये पूरे 4 मार्क का है, ठीक है। देन 6 क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है ये आप सभी का है, फिर सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों को मिक्स करके पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है, ठीक है। देन 6 का सेकेंड है अगेन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, और ये कितने नंबर का है, तो 3 मार्क्स का है, और ये आपका किसमें है, सेक्शन बी में है। देन क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड जो है ये पूरे के पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। देन आता है 7 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो प्रोबेबिलिटी का है, सेक्शन बी में आता है ये, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकेंड ये मेजर ऑफ मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, सेक्शन बी का। और देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का पार्ट थर्ड ये आपका है अगेन सर्कल का क्वेश्चन, और ये पूरे के पूरे 4 मार्क का है सेक्शन बी में, ठीक है। पूरे पूरे कितने मार्क का है, तो 4 मार्क का है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे 3 मार्क्स का है, सेक्शन बी में है। 4 का जो पार्ट 8 का पार्ट सेकेंड है ये अगेन किसका है, तो ये आपका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और ये पूरे के पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है। देन आता है 8 का पार्ट थर्ड, ये अगेन सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, और ये कितने मार्क्स का है, तो अभी 4 मार्क्स का है, ठीक है। देन 9 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, 4 मार्क का ये, ठीक है। देन 9 का जो पार्ट सेकेंड है ये आपका है अगेन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पूरे के पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, पूरे के पूरे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। देन अगला जो है ये कंस्ट्रक्शन का है, जो पूरे के पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से, जो सेक्शन बी में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकेंड। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट थर्ड जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, पूरे के पूरे 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है जो सेक्शन बी में है। तो ये आपके पूरे पेपर का एक डिटेल स्ट्रक्चर है कि किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।